श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 15वें अध्याय का महत्व सुने। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुमह नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, वो उसे बहुत मानता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वो यही चाहता था कि राजा को मारकर राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा सोया हुआ था और नौकर चाकर भी सोए पड़े थे। तब मंत्री ने राजा को नौकरों समेत मार डाला और स्वयं राज करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वो भी मर गया। तब दूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतो, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इसी प्रकार वो पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वो संगल द्वीप में पैदा हुआ। वहां से घोड़ों का एक सौदागर उसे खरीद कर ले गया तथा और भी घोड़े खरीद अपने देश को आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लाया है। राजा ने उसे बुलवाया और सौदागर से उसी घोड़े को खरीद लिया। जब राजा उस घोड़े को हाथ फेर रहा था, तब उसने राजा की ओर देखकर चेहरा घुमा लिया। ये देखकर राजा ने सोचा, क्या कारण है कि घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित बुलवाकर पूछा, जो घोड़ा मैंने मोल लिया है, इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? तब पंडित जी ने कहा, राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर निवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। फिर कई दिन बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को गया। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। पहले राजा तीर से शिकार मारता था, उस दिन हाथों से पकड़ के मारने लगा। राजा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को तृष्णा लगी। वन में एक साधु देखा जो कुटिया में बैठा था। एक तालाब भी जल से भरा था। वहां राजा जा उतरा, घोड़ा वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिसके साथ राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वो बालक पत्ता लेकर खेले भी, पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल देह छूटी और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, तिस पर बैठ बैकुंठ को चला, आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया और देखा कि घोड़ा तो मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर कहा, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वो बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूं, मैंने देव देही पाई है और बैकुंठ को चला हूं। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, राजन, ये बात ऋषिश्वर से पूछो। राजा ने उस ऋषिश्वर को बुलाकर पूछा, हे ऋषिश्वर जी, ये क्या कारण हुआ है? ऋषिश्वर ने कहा, हे राजन, गीता का लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है, घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, पीछे ये घोड़ा कौन था और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही? ऋषिश्वर जी, ये बात मुझे सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या संबंध हुआ। ऋषिश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, ये तेरा मंत्री था, ये तुमको मारकर राज्य करता रहा, फिर भी राजा हुआ। ये मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतघ्न को घोर नरक में डालो। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया, संगलदीप से आकर तेरे पास बिका। जब उसने सिर हिलाया तब कहता है, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूं। ये कहकर ऋषि जी चुप हो गए। राजा ने विस्मृत होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया, अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया, तप करने लगा तथा श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये 15वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और आपने सुना।